हरि ओम योगा टीचेस यू हाउ टू लिसन टू योर बॉडी। वेलकम बैक टू 21 डे योगा चैलेंज। आज है हमारा सातवां दिन, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कुछ स्ट्रेचिंग से। सांस लेते हुए हमें ऊपर जाना है और फिर नीचे स्ट्रेच करना है। वन टू थ्री फोर अब हम क्रॉस लेग करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, 12, ऐसा हमें 50 तक करना है। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही करिए, ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश ना करिए। वन टू थ्री फोर फाइव एंटी क्लॉक वाइज। वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब हम करते हैं नेक रोटेशन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अप एंड डाउन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब हम करेंगे हैंड रोटेशन। वन टू थ्री फोर फाइव एंटी क्लॉक वाइज। वन टू थ्री फोर फाइव। दूसरा हाथ। वन टू थ्री फोर फाइव। वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंटी क्लॉक वाइज। वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब हम उठते हैं सूर्य नमस्कार की ओर। सूर्य नमस्कार में 8 आसनों का समावेश होता है। ओम सूर्याय नमः। सांस लेते हुए दोनों हाथों को पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इस स्थिति में ना आपको सांस लेनी है ना छोड़नी है। अब सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। हमने कल 8 सूर्य नमस्कार किए थे, तो आज हम 10 सूर्य नमस्कार ज़रूर करेंगे। सूर्य नमस्कार करने से हमें पूरा दिन एक अलग ही एनर्जी फील होती है, एक हमें एनर्जेटिक फील होता है। हमारी थकान पूरी तरह से गायब हो जाती है। जो भी हमें तनाव है, स्ट्रेस, वो सब से हमें राहत मिलती है। वेट लूज करने में भी सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। तो आज हम करने जा रहे हैं वक्रासन आसन, जिसे ट्विस्टेड पोज भी कहा जाता है। सबसे पहले हमारे पैर स्ट्रेट कर लीजिए, नज़र सीधी। अब हम हमारा
लेफ़्ट लेग को फोल्ड कर लेंगे, जो कि राइट लेग के घुटनों के बाजू में होगा। अब राइट हैंड को लेफ़्ट लेग है उसके बाजू में रख देंगे और फिर हमें हमारा फेस टर्न कर लेना है। इस वक्त हमारी पीठ बिल्कुल ही सीधी होनी चाहिए और हम सामान्य रूप से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। यह आसन आप 10-30 सेकेंड कर सकते हैं। इस आसन के प्रमुख फायदे, डायबिटीज़ ये आसन कंट्रोल करता है, हमारा जो स्पाइन है वो फ्लेक्सिबल होता है, जो हमारे पेट में एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी ये कम करता है और कॉन्स्टिपेशन से हमें राहत मिलती है। यह आसन कौन नहीं कर सकता, जिनको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम बैक पेन है वो ये आसन बिल्कुल भी ना करें, और जिनको भी स्पाइन प्रॉब्लम है वो भी ये आसन ना करें। अगर आपको करना है तो आप एक्सपर्टीज़ के अंडर ये आसन कर सकते हैं। अब हम करने जा रहे चक्रासन, जिसे व्हील पोज भी कहा जाता है। सबसे पहले हम सीधा लेट जाएंगे, उसके बाद अपने हील्स को अपने हिप्स के पास लाएंगे, पैरों के बीच में कुछ आप गैप रख सकते हैं, एल्बो स्ट्रेट रखने हैं। अब हमें धीरे धीरे से कमर ऊपर कर लेनी है, सर नीचे, और अब हमें धीरे से पूरा शरीर ऊपर उठा लेना है। नीचे आते हुए हमें धीरे से आना है। यह आसन आप 10-15 सेकेंड कर सकते हैं। इस आसन के प्रमुख फायदे, हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन इससे अच्छा होता है, हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है, कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी यह आसन बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे हमारी लेग की, शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। और जिनको भी बैक और शोल्डर में कुछ इंजुरी है या हाथों में कुछ इंजुरी है वो ये आसन अवॉइड करें। अब दो आसनों के बाद हम शवासन ज़रूर करेंगे। शवासन मतलब हम रिलैक्स पोजीशन में 5 मिनट तक रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारी ब्रीदिंग टेक्निक की ओर। आज हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए आप पद्मासन में बैठिए या आप नॉर्मल भी बैठ सकते हैं। अब हम हमारा फर्स्ट फिंगर अपने फोरहेड पर रखेंगे, बीच के दो फिंगर हम अपने आँखों पर रखेंगे। ध्यान रखें आँखों को हमें प्रेस नहीं करना है, और जो हमारी छोटी उंगली है वो हमारे गाल पर होनी चाहिए और हमारे अंगूठे कान पर। हमें आजूबाजू की कौन सी भी आवाज़ को नहीं सुनना है। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए हमें ऐसा आवाज़ निकालना है। भ्रामरी आप दिन में 5 या 10 मिनट तक ज़रूर करें। इससे अपना कंसंट्रेशन बढ़ता है, तनाव दूर होता है, अच्छी नींद भी आ जाती है।
अब हम ओम कहेंगे। उसके लिए हमें दीर्घ श्वास लेना है और फिर हमें सांस छोड़ते हुए ओ सांस लीजिए। ओ सांस लीजिए। ओ अब हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करते हुए हमें आसपास की कौन सी भी आवाज़ पर ध्यान नहीं देना है। आपका पूरा ध्यान ब्रीदिंग पर रखिए। आप ध्यान 10 मिनट तक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।